नमस्कार, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसे प्रेस कर लीजिए। उसे प्रेस करने के बाद आपके पास बेल आइकन आएगा, उसे जरूर दबा दीजिए। आपको जो भी कुछ इस लेक्चर में कराया जा रहा है, पीडीएफ की फॉर्म में आप उसे नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो आर रेशनल नंबर? क्या जीरो हमारे पास एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्योंकि हम रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो पूछ रहे हैं क्या हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बिकॉज जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो को लिखा जा सकता है 0/1, या फिर हम 0/2 लिखें तब भी जीरो ही आएगा, या फिर 0/3 लिखें तब भी आपके पास जीरो ही आएगा, या 0/ हम कोई भी नंबर लिखें तो वो जीरो ही रहता है। और मोर जनरली जीरो को हम लिख सकते हैं 0/q की फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और q बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से। तो हमारे पास इसका आंसर होगा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं क्या हम इसे 0/0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी नहीं, 0/0 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आपके पास एक लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि 0/0 मेरे पास कोई नंबर नहीं बनता, ये मेरे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिक्स नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा, 3 का डिनोमिनेटर क्या होगा? 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 1 होगा डिनोमिनेटर। तो इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स होंगे हमारे पास वो होने चाहिए, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें यहाँ पे? सिक्स। तो इसके अंदर एक और ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आया? 7। डिनोमिनेटर्स क्या होता है हमारे पास? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर पी को, और नीचे जो क्यू लिखा गया इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे हम अंश और इसे हर कहते हैं। तो हम 3 को यहां से लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3/1। क्या करते हैं? 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देते हैं ताकि मेरे पास 3 पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3 7 जा 21, और 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। सिमिलरली 4 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 4/1 इंटू 7/7। 4 7 जा 28, और बाई में 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो हमारे पास जो 6 नंबर्स आ जाएंगे 3 और 4 के बीच में वो होंगे हमारे पास, कितना बना ये फर्स्ट नंबर? 21/7 बना है ना। 21 से नेक्स्ट से स्टार्ट करना है आपको 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो आपके पास ये आपके पास 6 रेशनल नंबर्स होंगे जो आपके पास 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे होंगे। या सेकंड मेथड में हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास 3 और 4 के बीच में निकालने हैं ना रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। तो ये नंबर बनेगा मेरे पास 3.1 लिख सकते हैं, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये सभी के सभी नंबर्स क्लियरली हमारे पास किन के बीच में लाई कर रहे हैं? 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं ना। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा यहां से। आपकी मर्जी है, चाहे आप मेथड 1 से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए या फिर मेथड 2 से सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3/5 और 4/5।
5 के बीच में प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। मुझे कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5 करने हैं ना, तो पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए मेरे पास, 5 प्लस 1 कर देंगे 6, यानी 6 से हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या था, 3/5 को लिखा जा सकता है 3/5 इंटू 6/6, तो इनकी अब मल्टीप्लाई करेंगे 18/30। सिमिलरली 4/5 को लिखा जा सकता है 4/5 इंटू 6/6, यानी 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास नंबर सेम ही रहेगा 4/5। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना 24/30। तो मेरे पास जो 5 रेशनल नंबर्स होंगे वो आपको स्टार्ट करने हैं यहां से। इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा मेरे पास, 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, ये आपके पास 5 रेशनल नंबर्स होंगे जो 3/5 और 4/5 के बीच में लाई कर रहे हैं। सेकंड मेथड, तो हम क्या करते हैं, अगर 3/5 को डिवाइड किया जाए तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.6, यानी 3 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास 3 5 से डिवाइड नहीं होता, डेसिमल आएगा और फिर 5 6 30, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 0.6। इसी तरह से हम 4/5 भी निकाल लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, आपको 4 को डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी 0.8। अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो वो मेरे पास 5 रेशनल नंबर्स क्या होंगे, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। क्लियरली ये नंबर्स आपके पास 0.6 और 0.8 के बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर हो जाए। इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 0.70, 0.71, वो नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे आपके, आपकी मर्जी। आपको सिर्फ यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं इन दो नंबर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है जो नीचे ये स्टेटमेंट दे रखी है ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमें इनका रीजन भी देना है कि किस लिए ट्रू है या किस लिए फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यदि आप नंबर सिस्टम के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या मेरे पास प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर, ये रहे मेरे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 up to 7, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 up to 7। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हम देखते हैं पहले 1, 1 एक क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये होल नंबर भी बन रहा है ना। 2, 2 क्या है, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर भी बन रहा है। तो मेरे पास जो ये 1, 2, 3, 4 up to 7 नेचुरल नंबर्स हैं, ये सभी के सभी होल नंबर्स तो है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, यस, ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू। एज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। जो मेरे पास होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स, और उसके अंदर हम क्या प्लस करते हैं, जीरो और प्लस कर देते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या मेरे पास प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होगा? देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं मेरे पास, इंटीजर ये रहे मेरे पास। क्या सभी के सभी इंटीजर मेरे पास होल नंबर होते हैं? जी नहीं, मेरे पास ये नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं ये तो मेरे पास होल नंबर नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स बन रहे हैं वो होल नंबर नहीं होते। थर्ड पार्ट में लिखा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या मेरे पास प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर होगा? तो देखते हैं मेरे पास रेशनल नंबर्स का तो सेट ये रहा, हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मेरे पास सभी के सभी जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होंगे? आपको फिगर से भी क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि मेरे पास जो सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते। इसके लिए क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 1 बाय
टू, वन बाई टू क्या है मेरे पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास होल नंबर्स क्या है, जीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स। रेशनल नंबर आपके पास सभी सभी क्या नहीं होते, होल नंबर नहीं होते। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।